अनियंत्रित होके जो बाजार का सिस्टम बना हुआ है ये परेशानी का सबब बन चुका है, जिस जाम के कारण सैकड़ों एम्बुलेंस फंसते हैं और लोग उसमें दुर्घटना के शिकार होते हैं। बहुत निराशाजनक था कि दोनों ने हिंदी में शपथ ली, मैथिली में शपथ नहीं ली, ये बहुत निराशाजनक था। तो पहली उम्मीद तो जरूर टूटी है, लेकिन फिर भी उम्मीद है, करते हैं आगे देखते हैं। 20 सालों का जो लगातार एक सत्ता पे कब्जा था वो टूटा है। नगर परिषद 20-22 वर्षों से एक व्यक्ति एक परिवार के जिम्मे था। हमें लगता है कि जो 20 साल यहाँ पे विकास नहीं लूट हुई उसके एवज में एक विकास कर पाएगी, जैसा कि उन्होंने शुरू में नारा भी दिया है, संकल्प के साथ समृद्ध सहरसा। अच्छा कि लोग इस बार जो नफरती चिंतू उनको जबरदस्त तमाचा मारा, सहरसा के लोगों ने अपना परिचय दिया कि मैं बदलाव चाहता हूँ और विकास चाहता हूँ। बिहार नगर निकाय चुनाव 2023 के अंतिम चरण में सहरसा का जो चुनाव है, सहरसा नगर निगम बना पहली बार और चुनाव हुआ और लोगों के मत से पहली बार यहाँ पर मेयर और डिप्टी मेयर चुने गए। सहरसा का जब नाम आता है तो एक फिगर सामने आता है, समस्याओं का शहर सहरसा। कुछ यूथ है यहाँ के, कुछ युवक हमारे साथ में, उनसे हम बात करते हैं कि क्या समस्या है सहरसा की। नए लोग आए हैं, नई सत्ता बनी है, तो व्यवस्था में कितना परिवर्तन होगा और क्या उम्मीद करते हैं ये लोग, उनसे हम बात करेंगे। सर नाम बताइए अपना। मोनू जी, नई सरकार बनी क्या उम्मीद करते हैं कि क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या समस्या थी पहले से जिसका सोल्यूशन होना चाहिए? आज पहली बारिश हुई लोगों को पता है, और जिस तरीके से मेयर साहिबा ने खुद से मोबाइल से हैंडल करते रहा और पदाधिकारियों को इंस्ट्रक्शन देते रहा कि जहाँ जहाँ से निकासी है उन जगहों पर जाके आप देखिए कि पानी का फ्लो सही है, यह दर्शाता है भविष्य में विकास होगा। और जो स्थिति बनी हुई है, और जैसा आपने कहा कि समस्याओं का शहर, समस्याओं का शहर नहीं, शहर स्मार्ट शहर कहलाए। क्या समस्या थी? जल जमाव की सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, और दूसरी समस्या है कि मार्केट में जो कहीं लोगों को शौचालय लग जाए तो वो नहीं जा सकते हैं सोच करने के लिए, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। उन सारे समस्याओं से सबसे पहले काम होगा, और उसके साथ साथ काम हुआ मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एज ए यूथ आप क्या चाहते हैं, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? हाँ, ऐसी डेवलपमेंट होना चाहिए, जरूर होगा ऐसा डेवलपमेंट। क्या क्या डेवलपमेंट? जल जमाव जो हमारे यहाँ समस्या है वो दूर होनी चाहिए, जो सोच की समस्या है मार्केट में पूरे नगर निगम के अंतर्गत वो बनना चाहिए, उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य की समस्या है वो होना चाहिए। इन सारे समस्याओं पे सबसे पहले काम होना चाहिए। और भी लोगों से हम बात करते हैं, क्या नाम है? रोशन कुंवर जी हैं। और क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ, नगर जो आपका नया नगर निगम बना है, पहली बार पब्लिक ने अपने वोट से मेयर और डिप्टी मेयर को चुना है। लोग कहते हैं समस्याओं का शहर है सहरसा, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, नए सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, बिल्कुल एक उम्मीद के साथ ही नए सरकार को लोगों ने चुना है, और जैसा कि आपने शहर में अगर एंट्री किया होगा तो उसके साथ ही आपने देखा होगा, प्रमुख रूप से दो समस्याएं जो नज़र आती हैं मुझे, एक जल जमाव की समस्या जो विकराल समस्या यहाँ की बनी हुई है, और दूसरी ये जाम की समस्या जो है, और नियंत्रित होकर जो बाजार का सिस्टम बना हुआ है ये परेशानी का सबब बन चुका है, जिस जाम के कारण सैकड़ों एम्बुलेंस फंसते हैं और लोग उसमें दुर्घटना के शिकार होते हैं। तो ये समस्याएं दूर होनी चाहिए, और इसी अपेक्षा एक साथ हम लोगों ने वोट दिया है। क्या लगता है ये समस्या बता रहे हैं दूर होगा? बिल्कुल दूर होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी उम्मीद के साथ हम लोगों ने बहुत दिनों बाद परिवर्तन किया है, तो अपेक्षाएं तो जरूर है कि दूर होगी। आपका क्या नाम है? अनंत रोशन। अनंत जी, नई सरकार बनी है, महिला के रूप में चेयरमैन दिया है सहरसा ने, और एक यूथ के रूप में डिप्टी चेयरमैन दिया है। शहर में समस्याएं क्या थी और क्या लगता है कितना बदलाव इस पर होने जा रहा है? सबसे पहले तो आपका आभार, और शहर जो सहरसा है हमारा, यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, इन तमाम चीज़ों पे कहीं पे ही कोई चीज़ें धरातल पे दिखी नहीं। लोग अभी बाकी अन्य शहरों में अर्बन डेवलपमेंट की बात होती है, लेकिन हमारे शहर सहरसा में कहीं पे भी इस तरह के अर्बन डेवलपमेंट का कोई भी सीन नज़र नहीं आता। आज ज़रूरत है कि उन तमाम पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की, यहाँ पे जब वो सारी जो बाहर की जो नीतियाँ हैं वो नीतियाँ आएंगी और अच्छे लोग आए हैं, तो एक अपेक्षाएँ बढ़ गई है कि साफ स्वच्छ लोग
हम लोग काफ़ी सारे हैं कि वो लोग ये जो बाहर की पॉलिसीज हैं उनकी निर्धारित लोग हैं उन लोगों के सामंजस्य से सहरसा में इन तमाम चीज़ों पर काम होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग सुनते आए हैं, देखते आए हैं, लगातार संघर्ष करते रहे हम लोग, सड़क के लिए संघर्ष करते रहे, जल जमाव के लिए लगातार पिछले 6-7 वर्षों से संघर्ष करते रहे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पताल की दुर्दशा पर संघर्ष करते रहे हैं। तो एक उम्मीद है कि इन तमाम चीज़ों पर सुधार होगा। अंतिम व्यक्ति के लिए जो योजनाएं हैं सरकार की, इंदिरा आवास की योजनाएं हैं, शौचालय की योजनाएं हैं, लगभग सरकार ने कह दिया कि शौचालय की तमाम वो पूर्ण हो चुका है, लेकिन आज की डेट में भी किसी भी वार्ड को हम खुले में शौच मुक्त नहीं कह सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और ये हम लोगों को आशा है एज ए यूथ, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, कि इन चीज़ों पे हमारे मेयर और डिप्टी मेयर बिल्कुल ध्यान देंगे और हम लोगों को एक साफ, सुंदर, स्वच्छ, समृद्ध सहरसा के रूप में नजर आएगा। आपका क्या नाम होता है? मोहम्मद शाहनवाज आलम। शाहनवाज जी, 5 समस्याएं बताइए आपके शहर की, जिसको कि लग रहा है कि जो नई सरकार आई है उसको सॉल्व आउट करें। बतौर नागरिक मैं चाहूँगा कि सहरसा में जो सबसे बड़ी समस्या अभी वर्तमान में जल जमाव की समस्या, इसका निराकरण हो, अच्छी सड़क की व्यवस्था हो, अच्छी लाइट की व्यवस्था हो और जो मूलभूत चीज़ें सुविधाएं हैं, इंदिरा आवास की सुविधाएं और अलग अलग जो सरकार की तरफ से योजनाएं मिलती हैं उनमें जो कमीशन खोरी है, घुसखोरी है, वो सीधे नागरिक तक उसका जो भी चीज़ है पहुँचे। क्या उम्मीद लगता है कि जो नई सरकार बनी है आप लोगों ने जो समस्याएँ गिनाई हैं पूरा करेंगे? निश्चित तौर पर मेयर और डिप्टी मेयर साहिबा जो हैं सब लोगों को मतलब इस बार बदलाव हुआ है, आप देखेंगे और जो रिसर्च भी करेंगे यहाँ के क्षेत्रों में तो इस बार लोग बदलाव के ही बेहद पे वोट दिया है, तो उम्मीद है अच्छा काम होगा, बदलाव होगा और काम भी होगा। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सोमू आनंद। सोमू जी, समस्याएँ क्या है और क्या लग रहा है कितना सॉल्यूशन होने वाला है? तो देखिए उम्मीदें तो बहुत सी हैं निश्चित रूप से कि समस्याओं का समाधान होगा। हमारे कई साथियों ने समस्याएं कई सारी गिनाई हुई जिसमें जल जमाव की, जाम की समस्या बहुत प्रमुखता से है, लेकिन क्योंकि अब सहरसा नगर परिषद से नगर निगम में तब्दील हो चुका है तो जाहिर तौर पे सुविधाएं भी बढ़ेंगी, संसाधन भी बढ़ेंगे, तो हमारी उम्मीद है कि सहरसा एक सुंदर सहरसा के रूप में विकसित हो पाए, इसके लिए प्रयास किए जाएँ। आप देखिए कि पैदल चलने के लिए किसी भी सड़क पर फुटपाथ नहीं है, कहीं आपको फुटपाथ नहीं मिले, तो जो समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति है जिसके कल्याण की बातें आपने की उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। आप गाड़ी से जा सकते हैं लेकिन पैदल आदमी कहीं आप थाना चौक से लें, डीबी रोड आपको शंकर चौक जाना हो आप नहीं जा सकते, आपको सड़क पे चलना होगा जहां आप दुर्घटना के हर वक्त रडार पे होते हैं। तो फुटपाथ अगर बने और विकसित हो तो शहर भी खूबसूरत लगेगा और लोगों के पैदल चलने की व्यवस्था भी हो पाएगी। पार्क की व्यवस्था, एक पार्क, नया पार्क जो बना उसमें थोड़ी बहुत सुविधाएँ हैं और कहीं कोई पार्क नहीं है, कोई कम्युनिटी पार्क नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे एक मोहल्ले के एक वार्ड के लोग आकर इकट्ठा हो सकें, बैठ कर के शाम में बातचीत कर सकें, तो ऐसी सुविधाएं नगर निगम को जाहिर तौर पर बढ़ानी चाहिए। स्ट्रीट लाइट्स की समस्या और जैसा कि शाहनवाज ने बताया कि जो कमीशन खोरी है वो बहुत व्यापक रूप से व्याप्त है तो उसको लेकर के भी चीज़ें बदलें, तो ये कई सारी उम्मीदें हैं। मेरी उम्मीद खासतौर पर वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा है कि आप देखिए कि कई सारे डंप यार्ड बन गए हैं शहर के आसपास और वे ऐसी जगहें हैं जिनके आसपास लोग रहते हैं और रिहायशी इलाका है और उसके आसपास अगर वो वेस्ट वहाँ पे पड़ा हुआ है तो जाहिर तौर पे वो कई सारी बीमारियों को आमंत्रित कर रहा है। तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर फार्मूला बने और उसकी रिसाइकलिंग प्रॉपर तरीके से हो ताकि उससे भी कुछ आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उम्मीदें बहुत सारी हैं, उम्मीदें इस बात की भी थी कि जो हमारे मेयर, जो हमारी मेयर बनी हैं, जो हमारे डिप्टी मेयर चुने हैं, वे अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को प्रमोट करते हैं और निराशाजनक था कि दोनों ने हिंदी में शपथ ली, मैथिली में शपथ नहीं ली, ये बहुत निराशाजनक था। तो पहली उम्मीद तो ज़रूर टूटी है लेकिन फिर भी उम्मीद है, करते हैं आगे देखते हैं। मैथिली में शपथ उन्होंने नहीं लिया, इसको लेकर आपको लग रहा है कि लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए क्योंकि आप जिस क्षेत्र की क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की भाषा है और बिहार में आप देखें कि कई सारे भाषाओं को अष्टम अनुसूची में शामिल करने को लेकर मांग हो रही है और मैथिली एक ऐसी भाषा है जो बहुत पहले से अष्टम अनुसूची में शामिल है,
न सिर्फ इतना बल्कि जो हमारा राष्ट्रगीत जो हमारा राष्ट्रगान लिखा गया तो जिन्होंने लिखा उन्होंने अपनी पहली रचना मैथिली में, तो एक समृद्ध भाषा है आपके पास, उसकी संस्कृति है, और अगर आप अपने लोग को नहीं समझते, अपने आसपास की चीज़ों को नहीं समझते, उसको तवज्जो नहीं देते हैं, तो फिर लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करना बेमानी हो जाती है। तो इससे मुझे लगता है कि वो मैथिली में शब्द ज़रूर लेनी चाहिए थी। जाहिर तौर पर इसका सांकेतिक महत्व ही है कि वो बहुत दूर तक आवाज़ जाती है। तो क्या लग रहा है कल के सहरसा में और अब जो सहरसा बना है, नगर निगम बन गया, बदलाव होगा? निश्चित रूप से होना चाहिए, होगा या नहीं होगा ये तो जो प्रतिनिधि चुनकर आए हैं उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि बतौर नागरिक, बतौर युवा और देखने समझने की नज़र रखने की कोशिश करने वालों के बतौर हम उन पर दबाव बना सकें, और वे चीज़ें जो एक शहर को स्वच्छ सुंदर विकसित बनाने में सहायक होती हैं ऐसे काम उनसे करवा सकें, हमारा ये प्रयास रहेगा। लेकिन ये तो पूर्णतः उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि वे क्या करना चाहते हैं, क्या एक बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं या फिर महज एक नाम बोर्ड पे टंग कर। तो बड़ी बात इन्होंने कही, और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सहरसा जो शहर है और जाम का शहर कहा जाता है। रोशन जी, एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे, जो चेयरमैन बने हैं या जो डिप्टी चेयरमैन सब बने हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि कांटों का ताज उन्हें मिला है? बिल्कुल, 20 सालों का जो लगातार एक सत्ता पे कब्जा था वो टूटा है। नगर परिषद 20-22 वर्षों से एक व्यक्ति एक परिवार के जिम्मे था, तो लगता है कि सही में एक संघर्षपूर्ण जीत हुई है, और इस जीत के बाद मुमकिन है कि जो पुरानी गलतियां हुई हैं उसके सुधार की दिशा में कार्य होगा और बेहतर कार्य होगा, ये उम्मीद है। तो और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार जो चेयरमैन का चुनाव हुआ, जो मेयर यहाँ चुने गए, जो डिप्टी मेयर यहाँ पे चुने गए, निश्चित रूप से एक महिला को सहरसा की जनता ने यहाँ मेयर बनाया है और एक यूथ को डिप्टी मेयर बनाया है। मोनू जी, एक महिला हो के एक चेयरमैन के रूप में प्रेम प्रिया आगे आई, लोगों ने सपोर्ट, खुल के सपोर्ट किया और आज की डेट में वो मेयर बनी, शपथ ग्रहण हो गया है एज ए महिला, क्या लगता है अपने काम को कितना प्रतिशत पूरा करेंगी? जो समस्याएं हैं, विशाल समस्याएं हैं, इसको कैसे हैंडल करेंगी? देखिए, अभी तो वो इससे पहले राजनीति में थी नहीं, वही बात नहीं कहा कि राजनीति वो थी नहीं, तो निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या तो है उनके लिए, लेकिन छात्र राजनीति का अनुभव उनके पास, छात्र राजनीति और नगर परिषद की राजनीति बहुत अंतर होता है, लेकिन समस्याओं का अंबार वहाँ भी रहता है जिस तरीके से समस्याओं का अंबार हमारे नगर में रहता है। तो उसके अनुभवों के साथ और जो एक उन्होंने अपने घर में देखा है अपने पतिदेव को करते हुए, उन चीज़ों से सीख लेके हमें लगता है कि जो 20 साल यहाँ पे विकास नहीं लूट हुई उसके एवज में एक विकास कर पाएगी, जैसा कि उन्होंने शुरू में नारा भी दिया है, संकल्प के साथ समृद्ध सहरसा। तो मैं यह कह सकता हूँ कि वो विकास जरूर करेगी और सब कुछ ना बदल पाए, लेकिन पहले से हालात, चूँकि 5 साल का पूरा समय मिला नहीं, आपको ये भी ज्ञात है 3.5 साल के आसपास का समय है, इन 3.5 सालों में वो इतना कर पाएंगी कि जो आज आप कह रहे हैं कि समस्याओं का शहर या समस्याओं का शहर नहीं रहेगा, एक विकास का शहर, एक स्मार्ट सिटी जरूर जाएगा। चलिए, तो उम्मीद है लोगों को कि कहीं ना कहीं एक विकास होगा और लोगों से बात करते हैं। शाहनवाज, एक तरफ यहाँ पूरे देश में सामुदायिक तनाव है, कुछ लोग कहते हैं हमें यहाँ खतरा है और कुछ लोग कहते हैं खतरा है तो पाकिस्तान की, तो ऐसे में सहरसा में डिप्टी मेयर के रूप में जो उमर हयात और गुड्डू हयात जी हैं, एक नारा उन्होंने दिया था और लोगों ने खूब पसंद किया, अपार वोट से उनको विजयी बनाया, क्या बताना चाहिए उसके बारे में? सहरसा के लोग इस बार जो नफरत चिंतू उनको ज़बरदस्त तमाचा मारा, सहरसा के लोगों ने अपना परिचय दिया कि मैं बदलाव चाहता हूँ और विकास चाहता हूँ, और जात पात से कोई कहीं किसी को मतलब नहीं। आप जब डाटा उठाएंगे तो मतलब 18,000 वोट, 10,000 वोट मतलब मुस्लिम के अलावा लोगों ने दिए, अब इसे उम्मीद कर सकते हैं कि लोगों ने तो जात पात से ऊपर उसको वोट किया है और सिर्फ विकास के नाम पर, विकास के नाम पर वोट हुआ है एकदम निश्चित तौर पे, युवाओं को जो भरोसा जताया है लोगों ने विकास के नाम पे। तो नारा क्या था जो उन्होंने नारा दिया? एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा, हिंदू, एक बड़ा मैसेज सहरसा से फ्लो हुआ एकदम। चलिए, और लोगों से हम बात करते हैं। नन्हे जी,
क्या लग रहा है कितना विकास होने वाला है? ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि अपेक्षाओं के साथ हम लोगों ने वोट किया है और जो नए लोग चुन के आए हैं तो ऐसा निश्चित रूप में भरोसा है कि विकास वो करेंगे। युवाओं से के लिए क्या उम्मीद है, युवाओं के लिए क्या डेवलपमेंट होना चाहिए संस्था में? युवाओं के लिए डेवलपमेंट के लिए खेल कूद की गतिविधि बढ़ाने के लिए कुछ स्पोर्ट वगैरह का जगह जो देख रहे हैं आप यहाँ अभी आपको सामने दिख रहा है इसका विकास होना चाहिए। खेल कूद जूडो कराटा वगैरह एक ही स्थान पे होते रहता है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो ये बहुत ज़्यादा रहेगा, बेहतर रहेगा। पटेल मैदान है जैसे हम लोग के बगल में, वहाँ जो बहाली बहाली के लिए दौड़ वगैरह के लिए जाते हैं उन लोगों के लिए कुछ सुविधाएँ वहाँ पर बने, हवा अड्डा में जाते हैं उन लोगों के लिए विशेष सुविधाएँ बनना चाहिए। वो अपेक्षाएँ युवाएं रखी और उसकी अपेक्षाओं के साथ उन्होंने वोट किया है। चलिए, तो सहरसा के युवा थे और ये वही युवा थे जो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और जो सोशल एक्टिविटी होती है शहरों में उसमें भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। खुल के अपनी बात रखी, क्या अपेक्षाएं हैं जो नए लोग आए हैं सहरसा नगर निगम में सत्ता पर काबिज हुए हैं और व्यवस्था में क्या परिवर्तन होना चाहिए, उन बातों को उन युवाओं ने हमारे साथ आपके साथ रखा। बकाया इस वीडियो के बारे में क्या आप सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। हमारी खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हो, पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।